ओके 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 गाइस, सो इधर बस सबका इस वो कमबैक शो अगर ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल गाइस, एंड स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। एंड इसमें हम कुछ स्टेट्स यहां पर प्लेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी टू आरबी कांसेप्ट। सो व्हाट्स द वीडियो टिल एंड, यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो ओके, यहां पे इस स्कैंडल के बाद हम यहां पे जीपीयूएसडी पे हैं फिलहाल, और ट्रेड ट्राई करेंगे कि एक ही पेयर पे हम ट्रेड करेंगे। यहां पे नेक्स्ट स्कैंडल पे मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं। ऑलराइट, सो विल सी हियर। ठीक है, ओके ओके, गोइंग परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट ऑल राइट। सो यहां से मैं एक ट्रेड मैंने यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन किया है जीप बीवस्ती पे, और ट्रेड जो है वो डेफिनेटली एक क्लियर शॉट रहेगा अपना पुट के लिए। ठीक है, और रीजन क्लियर है, क्लियर रीजन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इस कैंडल पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल था, बट उसके बाद एक ग्रीन कैंडल अपीयर हुआ जिसका वॉल्यूम डिक्रीज था। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज था, बट नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स ने एंट्री मारा और अपना जो प्रीवियस कैंडल पे वीक सेलर्स थे उन्होंने अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया। दैट्स व्हाई मैंने इस पे डाउन के लिए ट्रेड ओपन किया है। एंड लेट्स मूव टू द अनदर ट्रेड, ये तो अपना विनिंग होगा। ओके, मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड लगाई थी मैंने, वैसे भी एक रेड कैंडल बना। ठीक है, और ये भी एक रेड कैंडल बनेगा। अगेन से मैंने एक ट्रेड पुट के लिए ओपन किया है, ये भी कंफर्मेशन है, ये भी डाउन के लिए जाएगी। एक अच्छी रेड कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी यहाँ से, एक अच्छा हेल्दी कैंडल। और अगर मैं कैंडल का साइज बताऊँ तो मुझे यहाँ से एक रेड कैंडल करीब इतना साइज का कुछ यहाँ पे ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनेगा लाइक दिस। यहाँ पे ये वीक है एंड यहाँ पे कुछ कितना ऐसा रिजेक्शन दिख सकता है अपने को, मतलब कुछ इस टाइप की हैमर लाइक कैंडल यहाँ पे अपने को अपीयर होगी। सो विल सी इट, अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन ये एक रेड कैंडल बनेगा। अच्छा, एक रेड कैंडल यहाँ पे आना चाहिए। ये ऑप्शन ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे कुछ ट्रेड्स और प्लेस करेंगे। विल सी इट, यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं इस कैंडल का। डेफिनेटली एक रेड कैंडल पे क्लोज करेगा। ठीक है, एंड जिसको कंप्लीट सीखना है CWRB किस बेस पे किस लॉजिक्स पे मैं ट्रेड्स ओपन करता हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा लिंक जो है वो यूजर आईडी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, विल सी हियर। यहाँ पे एक डेफिनेटली एक और रेड कैंडल आएगा, अगेन से मार्केट कंटिन्यू करेगा फॉर 1 मिनट। तो यहाँ भी कंफर्मेशन है अगेन से इस पर डाउन के लिए जाने के लिए। तो दैट्स व्हाई मैंने एक ट्रेड और यहाँ पे पुट के लिए ओपन किया है। कैंडल कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गया, बट इसको डेफिनेटली एक रिजेक्शन आएगा। तो मैंने यहाँ से मार्जिन सेफ्टी से दो ट्रेड मैंने और ओपन किया है, बिकॉज अगर कैंडल ग्रीन बनेगा तो ये एक छोटा ग्रीन बनने का प्रोबेबिलिटी है। डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल भी बनेगा तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रीन यहाँ पे बनने का प्रोबेबिलिटी है। तो डेफिनेटली इसको रिजेक्शन आएगा लास्ट मोमेंट पे, और हो सकता है कैंडल जो है वो एज ए रेड भी क्लोज कर देगा। बट अगर ग्रीन बनेगा तो ये ऐसा एक ग्रीन डोजी, मतलब डोजी नहीं बोल सकते, एक हैमर जैसा कुछ इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल ग्रीन का फॉर्म करेगा। सो विल सी, ये भी अपना एक डेफिनेटली एक विनिंग ट्रेड रहेगा। ओके, कोई इश्यू नहीं है, कैंडल ग्रीन पे गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ से मैंने चार ट्रेड्स और ओपन किया है एक और डायरेक्शन में, क्योंकि कैंडल डेफिनेटली एक रिजेक्शन कैंडल बन रहा था और लास्ट मोमेंट पे कैंडल ने एज ए ग्रीन क्लोज दिया। अब जो प्रीवियस वीक सेलर्स थे उन्होंने अपना वॉल्यूम इस कैंडल पे शो नहीं किया, दैट्स व्हाई ये कैंडल पे मुझे अगेन से कंफर्मेशन था। तो उसको प्रीवियस जो लॉस था उसको पहले कवर अप करेंगे इस कैंडल पे, एंड डेफिनेटली तो ग्रीन कैंडल पे क्लोज करेगा ये। इजी कंफर्मेशन के साथ में अगर ट्रेड्स प्लेस करोगे इन CWRB कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ पे इजिली जो है प्रॉफिट बना सकते हो। एंड आपको ऐसा इसमें ये है कि 100% जैसा नहीं मिलेगा, बट या आपके पास में इसमें कंफर्मेशन अराउंड 80%, 80% तो मिनिमम बता रहा हूँ आपको, इतनी तो इजी आपको मिलेगी। ठीक है, बाकी 90 to 95 आप इसको जितना आप अच्छा इस पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसको 90 तक भी आपको लेके जा सकते हो। विल सी हियर, ओके ओके, अच्छा कंफर्मेशन है। नेक्स्ट कैंडल पे डाउन का, थोड़ी सी कैंडल ऊपर जाएगी, मैं ट्रेड लगाऊंगा। दो ट्रेड मैंने पुट के लिए ओपन किया है, डेफिनेटली एक रेड कैंडल आएगा।
अगर जिसको भी कंप्लीट सीखना है CWRB, वो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे यूजर आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करोगे वहां पे मेरी यूजर आईडी मिल जाएगी पर्सनल, तो आप मुझे वहां से डीएम करके और अपना 1-on-1 सेशन का स्लॉटेशन बुक कर सकते हो। इसकी फी जो है टोटल 12,500 INR फीस है, ठीक है। क्लासेस 12,500 INR फीस है। अगर आप USD में करते हो तो 150 USD CWRB की 1 वीक क्लासेस है, चलता 1 वीक क्लासेस प्रोग्राम है, जिसमें 1 वीक क्लासेस दूंगा मैं, और उसके बाद अपने डाउट सेशंस जो है वो वीकली आपको कंडक्ट करूंगा। अभी फिलहाल वेट करते, एक दो ट्रेड यहाँ से मैं और ओपन करूंगा उनसे ही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल अपने पास, तो अभी मैं ट्रेड ओपन नहीं कर रहा, वेट करूंगा, वेट करूंगा यहाँ पे। ओके, वेरी गुड। सेलर्स का रिजेक्शन दिख रहा है आपको इस कैंडल पे, प्रीवियस कैंडल पे वॉल्यूम जो था वो लो था सेलर्स का, एंड नेक्स्ट कैंडल पे सेलर्स विल ट्राई टू इंक्रीज, आई मीन जो ग्रीन कैंडल चल रहा है उस पे अपर साइड से रिजेक्शंस दे रहे फ्रॉम सेलर्स, सो विल सी हियर। ओके, गुड वन। ओके, बट रिजेक्शन इज नॉट द गुड वन, रिजेक्शन मुझे थोड़ा और अच्छा रिजेक्शन चाहिए था, तो अभी मैं एक कैंडल का और वेट करूंगा, उसके बाद आई प्लान ए ट्रेड। ठीक है, ओके, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कैंडल फॉर्म करने का, और इस कैंडल पे कंफर्मेशन है कि रेड कैंडल बन सकती है, बट ऊपर का रिजेक्शन मुझे कम दिखा है, दैट्स व्हाई मैं इस कैंडल पे नहीं गया हूँ, बट मुझे यहाँ पे इस कैंडल पे कंफर्मेशन ट्रेड मिल जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि इस पे बायर्स का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है इस कैंडल पे, ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है बायर्स। एंड अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं अवॉइड करने बोलूंगा इस टाइप पे ट्रेड करने के लिए, बिकॉज दिस इज रेड ग्रीन रेड, है ना। तो आप इस टाइप पे बिगिनर ट्रेडर हो अगर CWR में, तो आपको इस पे ट्रेड नहीं करना है, बट आप जैसे ही थोड़ा एडवांस हो जाओगे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में, तो आप उसके बाद आप ट्रेड लगा सकते हो। वेल सी हियर, यहाँ से एक ग्रीन कैंडल अपीयर होगा, मैंने यहाँ से एक ट्रेड लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड डेफिनेटली अपना एक श्योर शॉट ट्रेड रहेगा ये ग्रीन के लिए। तो अगर अब इसी तरीके की कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड्स पर आपको सीखना है तो आप जो है वो लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, आप बाकायदा मेरी यूट्यूब वीडियो से भी देख के सीख सकते हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप इन वीडियोस को अगेन एंड अगेन वॉच करो, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ पाते हो तो आप इजीली यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। बाकी मेंटोरशिप के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप टेलीग्राम पर मैसेज करके टेक्स्ट करोगे जस्ट, आपको 1-on-1 क्लासेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, एंड अल्टरनेटिव डेज पे क्लासेस होता है, लाइक 1 डे में अगर क्लास दूंगा तो नेक्स्ट 1 डे आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है। सो इट्स एन अपनी विनिंग ट्रेड 4-3-2-1 होम गाइस। सो यहाँ पे ये कुछ अपनी ट्रेड्स थी, ठीक है, एंड आप देख सकते हैं ये एक अपना एक डीप क्लोज गया था, इसमें थोड़ा सा कैंडल अपने अकॉर्डिंग गया था, मैंने जस्ट एक रिजेक्शन बेस्ड ट्रेड दिया था यहाँ पे, ये सोचा था एक्सपेक्टेड था कि एक ऐसा ग्रीन बनेगा, बट लास्ट 2 सेकंड पे एक अच्छा ग्रीन बन गया, पर नो वरी, इसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल पे इमिडिएटली इसको कवर अप कर लिया था यहाँ पे, उसके बाद ये एक विनिंग ट्रेड था, दिस इज द विनिंग ट्रेड। सो ये कुछ मैंने 6-7 आई मीन थ्री ये और ठीक है 6 टोटल 6 ट्रेड्स हैं जिनमें से 5 आइटम्स हैं, तो आप भी यही एक्यूरेसी गेन कर सकते हो, लाइक अगर मैं इस पर्टिकुलर सेशन की एक्यूरेसी आप कैलकुलेट कर दे तो आउट ऑफ 5 में आउट ऑफ 6-5 ट्रेड्स आर विनिंग, दैट्स आर गुड इनफ। जरूरी नहीं है आप सारी की सारी ट्रेड्स विन करो, अगर आप एक आध लॉस भी करते हो तो आप अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चलो, इसीलिए आप प्रॉफिट बना सकते हो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, की प्रैक्टिसिंग गाइस, की लर्निंग, एंड जिसको लर्निंग करना है, जिसको कंप्लीट सीखना है CWRB, टेक एंड टेक्स, बाय बाय गाइस।